नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है इंपेरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है, कैंडिडेट्स बाहर आने लगे हैं। हम कैंडिडेट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के उनका पेपर कैसा रहा, आज के पेपर में कौन से बदलाव देखने के लिए मिले और पेपर का लेवल किस तरीके का था और कौन कौन से नए टॉपिक देखने के लिए मिले और आज का उनका स्कोर क्या रहा, एवरेज स्कोर क्या रहा और आसपास का स्कोर क्या रहा। हेलो सर। हाँ जी, क्या नाम आपका? प्रदीप सोनी। प्रदीप जी, कहाँ से आए आप? यही खंडवा से। ऊपर खंडवा से ही हैं। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा है। क्या स्कोर रहा आपका? जी बोलिए, क्या स्कोर रहा आपका? 60। 60 था। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? मेरे ही थे 60। 60 ही थे। और आसपास के स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहे थे? तो 42, 45, 30, 31 ऐसे थे सबके। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था आपको? एवरेज 50 के आसपास, 50-55 के आसपास ऐसा गया। पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? अच्छा था। और क्या, जो पेपर जो बता रहे ना एनालिसिस में, वो आ रहे क्वेश्चन। और क्या, और एमपीजीके से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। और क्या, नदियों से पूछे थे, फिर विश्व भूगोल पूछा था, विश्व भूगोल से भी 3-4 क्वेश्चन आए थे। आज के पेपर में कौन से नए टॉपिक दिखे आपको? नए टॉपिक तो कोई से भी नहीं थे, पुराने ही थे जो चैप्टर पूछ रहे ना। साइंस से भी जो वर्गीकरण वाला था, क्लासिफिकेशन और पादप जंतु, वहीं आ रहे। मतलब जो टॉपिक पुराने चले ना, उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के दे रहे। मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? ज़्यादा तो कह नहीं सकते, उसे लाभ आने वाले थे 2-3 क्वेश्चन, और चक्रवर्ती ब्याज वाले आए थे। और हाँ, और सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन थे? 3-4 क्वेश्चन तो होंगे समथिंग। और परसेंटेज से? परसेंटेज से 2 क्वेश्चन मिले थे। और प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन। एवरेज से? एवरेज से 2-3 क्वेश्चन। एडवांस का कितना पोर्शन से आया था? 1 क्वेश्चन। एडवांस से कितना पोर्शन था? 2 क्वेश्चन पूछे थे उसके। हाँ, त्रिभुज वाले से। हाँ, सम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का लेवल कैसा था जीके जीएस का? ठीक था। और क्या, साइंस साइंस से भी क्वेश्चन आ रहे थे, कम हो गए, 10-15 क्वेश्चन थे उसके भी। जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिला आपको? हाँ था ना जियोग्राफी से। और उससे भी था, संविधान से भी आता 2 क्वेश्चन। संविधान से किस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिला? संविधान से क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन संविधान से ही था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे वो। और हिस्ट्री से? हिस्ट्री से नहीं क्वेश्चन थे, ये भी नहीं था। आर्ट एंड कल्चर से? हाँ, वो पूछ रहा संगीत कौन सा राज्य का है, संगीत का नाम दिया था। संगीत का याद नहीं आ रहा, लेकिन संगीत सब पूछा था। इकोनॉमिक्स, बैंकिंग से क्वेश्चन? नहीं, कुछ भी नहीं था। एमपीजीके से कितने क्वेश्चन थे? 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे उससे भी। और वो भी नदियों से था कि ओरछा कौन सी नदी पे है। और जनरल साइंस का सॉरी रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का तो ठीक था। और क्या, हाँ, आकृति वाले क्वेश्चन आ रहे उसमें। और हाँ, आकृति जो कठिन वाले थे ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा मिले मेरे को। ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा रहा? ठीक रहा। और क्या, ज़्यादा मतलब टफ भी था और इजी भी नहीं था। और क्या, आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? मेरी तो 5-6 महीने की थी वैसे। और क्या, 5-6 महीने में 60 नंबर, ठीक है, अच्छा स्कोर है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? राजदीप सिंह चौहान। राजदीप जी, कहाँ से आए आप? पंधाना। पंधाना से। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 68। 68। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? लैब में तो शायद मेरा ही था, बट सेंटर का 74 मालूम पड़ा है। 75 आपका सेंटर? सेंटर में और कोई सा 74। और आपके आसपास का स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? 40, 42 और 20 से 30 के बीच में भी बहुत सारा था। अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर क्या सुनने के लिए मिल रहा है? एवरेज तो 50-50। पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर इजी टू मॉडरेट। आपने पिछले कुछ एनालिसिस देखे हो तो आपको आज के पेपर में कौन से बदलाव देखने के लिए मिले? इस तो मैंने नहीं देखे क्योंकि मैं वैसे सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और बदलाव, हाँ मतलब दोस्त बता रहे थे उस टाइप से नहीं था। आज थोड़ा जीके में जियोग्राफी का अच्छा खासा था, मतलब 4-5 क्वेश्चन थे। हाँ, और फिर पॉलिटिक्स से 2-3 क्वेश्चन थे। और नॉर्मल मैथ से तो ईजी था। मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? तो सिंपल इंटरेस्ट से थे 4 क्वेश्चन समथिंग। और सीआई से भी था, सीआई से 2 क्वेश्चन थे समथिंग। और मेंस्ट्रुएशन से 2 थे, और भी थे जैसे कि रेशियो के थे क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक का ही पोर्शन ज़्यादा था? हाँ, अप्रोक्स 60%, 60-40 का रेशियो। एडवांस कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? एडवांस अप्रोक्स 8-10। कौन कौन से टॉपिक से थे कुछ बता सकते हैं आप? जैसे एलजेब्रा से था, मेंचुरेशन से था, ज्योमेट्री के भी 2 क्वेश्चन थे। प्रायिकता से क्वेश्चन? नहीं, प्रायिकता का नहीं था। पाई चार्ट से? पाई चार्ट से भी नहीं था आज।
अपने अगर अरिथमेटिक की बात करें तो परसेंटेज से क्वेश्चन, परसेंटेज से थे ना 3 से 4 क्वेश्चन होते। प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से भी थे 2 क्वेश्चन। एवरेज से, एवरेज से भी था। रेशो एंड प्रोपोर्शन से, हाँ थे उससे। एलिगेशन से, एलिगेशन से 6 से 7 क्वेश्चन थे। 6 से 7 क्वेश्चन एलिगेशन से। किस टाइप के क्वेश्चन थे कुछ याद है आपको? सर प्रॉपर तो नहीं याद है बट ही 2 स्टेटमेंट वगैरह एंड देन वही था, इजी थे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग बहुत इजी था। रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? रीजनिंग में वो असर्शन रीजन का था कुछ रीजनिंग के, फिर मिरर इमेज था, फिर सीरीज वाले क्वेश्चन थे और भी ऐसे याद नहीं। पेपर कटिंग से क्वेश्चन क्या? पेपर कटिंग से क्वेश्चन, पेपर कटिंग के थे 3 से 4 क्वेश्चन। और काउंटिंग फिगर के? काउंटिंग फिगर एक भी नहीं था। और वाटर इमेज? वाटर इमेज नहीं। क्लॉक से? क्लॉक से नहीं था, कैलेंडर से था एक। और सीटिंग अरेंजमेंट से? सीटिंग अरेंजमेंट से भी एक था। और रैंकिंग से? रैंकिंग से हाँ एक था। इनइक्विलिटी से? नहीं ऐसे याद नहीं। कथन और अवधारणा से? एक दो। कथन और निष्कर्ष से? नहीं। एनालॉजी से? एनालॉजी से शायद एक या दो क्वेश्चन थे। सीरीज से कितने क्वेश्चन थे? सीरीज के 3 से 4। और जीके जीएस में बात करें तो एमपी जीके से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? ये 2-3 ही थे, एक ब्रांडपुर का था कि ब्रांडपुर मतलब केले के लिए फेमस है, और एक साउथ पॉइंट पे कौन सा जिला है ब्रांडपुर वगैरह था ना। जीके की बात करें तो जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? जियोग्राफी से मिले, वर्ल्ड जियोग्राफी का था, काकेशस माउंटेन के बारे में था। और हाँ और एक दो से याद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से? हाँ 2 थे, एक स्टेट एंड सेंट्रल का जो ज्यूरिडिक्शन होता है उसके बारे में क्वेश्चन था एक। बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से? नहीं। आर्ट एंड कल्चर से? आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन थे, वो भी कुछ डांस वांस का कुछ चीज़ था। जनरल साइंस का लेवल कैसा था? जनरल साइंस, साइंस बहुत कम था आज, साइंस कम था। जीके जीएस के कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? 35। वही चल रहा है सेम पैटर्न 35 तक जीके जीएस, देन रीजनिंग मैथ्स। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो लेवल कैसा रहेगा? इजी टू मॉडरेट। अब जिन कैंडिडेट्स का आगे एग्जाम है उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? एनालिसिस देखो एंड थोड़ा मैथ्स पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 4 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है कंप्लीट। हमने कैंडिडेट से जाना कि आज के उनका पेपर कैसा रहा। आज का जो हाईएस्ट इसको सुनने के लिए मिला है वो 74 है, और हमने जिनसे रिव्यू लिया उनमें से एक के 68 और एक के 60 है। और इसी तरह रिव्यू चैनल के रिव्यू वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।